जिला शिमला में अलग अलग स्थानों पर पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने 4 नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। NDPS एक्ट के तहत 4 मामले दर्ज किए गए हैं। 2 मामले थाना रामपुर में चिट्टे के हैं, जहां एक युवक सोनम के पास 7.57 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया, वहीं दूसरे युवक से 3.69 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। तीसरा मामला शिमला के बालूगंज का है, जहां राजेंद्र नाम के युवक से 91 ग्राम चरस बरामद की गई है। चौथा मामला रोडू थाने का है, जहां युवक से 14 बोतल कफ सिरप RX कोडिन बरामद की गई है। चारों मामलों पर संबंधित थानों में FIR दर्ज की गई है। इसे लेकर ASP रमेश शर्मा का क्या कहना है, सुनिए। पिछले कल जिला शिमला में जो है वो 4 मामले NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किए गए, जिसमें कि 2 मामले थाना रामपुर में पंजीकृत किए गए, जहां पे 2 युवक चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। एक युवक जो कि सोनम नाम का है, लाहौल स्पीति का रहने वाला है, उसके पास 7.57 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है, तथा दूसरा युवक सोनू है जो कि वहीं का रहने वाला है, उसके पास 3.69 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी छानबीन की जा रही है। जो तीसरा जो मामला है वो थाना बालूगंज का है, जहां पर एक युवक से राजेंद्र नाम का जो एक युवक है, जो यहीं शिमला का ही रहने वाला है, उससे 91 ग्राम चरस बरामद की गई है। तथा चौथा जो मामला है वो रोहडू थाना का है, जहां पर एक युवक से 14 बॉटल्स जो है वो कफ सिरप जो है RX कोडीन करके वो बरामद की गई है। चारों मामलों में जो है FIR पंजीकृत कर दी गई है संबंधित थानों में, और केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है कि ये कहां से ये नशे का सामान लाया जा रहा था और कहां ये बेचना था या स्वयं यूज करना था, इस मामले में छानबीन की जा रही है। शिमला पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और मेरा जनता से यही अनुरोध है कि जहां कहीं भी नशा तस्कर या नशे की कोई सूचना उनके पास है तो वो पुलिस को दें, तथा साथ ही साथ वो जो ड्रग फ्री ऐप जो है हिमाचल ड्रग फ्री ऐप, उस पर भी वो अपनी जो सूचना वो दे सकते हैं। इसमें सूचना देने वाला का नाम स्वतः ही गुप्त रहता है।